आज हम जानेंगे कुन्नूर पक्षी के बारे में। तोतों की दुनिया में सनकोनर एक प्रकार का मध्यम आकार का तोता पक्षी है। सनकोनर्स उत्तर पूर्वी दक्षिण अमेरिका के एक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर ब्राजीलियाई राज्य रोराइमा, दक्षिणी गुयाना, चरम दक्षिणी सूरीनाम और दक्षिणी फ्रेंच गुयाना। चोंच से पूंछ के पंखों के अंत तक लगभग 12 इंच की लंबाई में आने वाला सनकोनर एक मध्यम आकार का पक्षी है, जिसमें एक अच्छी तरह से आनुपातिक आकृति होती है। स्वस्थ पक्षी न तो पतले होते हैं और न ही प्रोफाइल में मोटे होते हैं। मैको या कॉकेटोस जैसे बड़े पक्षियों के आकार और थोक के बिना उनके पास एक क्लासिक तोता दिखता है, जो उन्हें उन लोगों के लिए बहुत आकर्षक बनाता है जो अधिक विदेशी पक्षी प्रजातियों के रूप में आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके पास घर और देखभाल करने के लिए जगह नहीं है। एक बहुत बड़ा पक्षी सनकोनर को अच्छी गुणवत्ता वाली दक्षिण अमेरिकी गोली खिलाई जानी चाहिए और दैनिक ताजे फल और सब्जियां दी जानी चाहिए। इसमें सेब, गाजर, बीन्स, मटर, मक्का, ब्रोकोली और पालक शामिल हो सकते हैं। इस भोजन को बहुत अधिक समय तक पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खराब फल बैक्टीरिया और खमीर को इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके पक्षी को बीमार कर सकते हैं। सनकोनर्स के प्रजनन के लिए आपको एक बंधुआ जोड़ी की आवश्यकता होगी। सूर्य शंकु 2 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। उनका धीरे धीरे परिचय कराएं ताकि वे एक दूसरे के प्रति आक्रामक न हों। सुनिश्चित करें कि पिंजरा उनके प्रजनन के लिए काफी बड़ा है और एक नेस्टिंग बॉक्स प्रदान करता है। एक कॉकटेल आकार का लकड़ी का घोंसला बॉक्स सनकोनर्स के प्रजनन के लिए उपयुक्त है, या मजबूत प्लाईवुड का उपयोग करके आप 12x12x12 इंच या 15x12x12 इंच मापने वाले सनकोनर्स के लिए अपने स्वयं के लकड़ी के घोंसले के बक्से का निर्माण कर सकते हैं। व्यास में 3 इंच के प्रवेश द्वार के साथ डॉट इसे पिंजरे के बाहरी हिस्से से जोड़ना सबसे अच्छा है। सनकोनर प्रति वर्ष 3 से 5 अंडे प्रति वर्ष कम से कम 2 चंगुल उत्पन्न करता है, जो 25 से 27 दिन की ऊष्मायन अवधि के बाद हैच करता है। चूजे लगभग 8 सप्ताह की उम्र में भाग जाते हैं और 8 से 11 सप्ताह के बीच होने पर पूरी तरह से दूध छुड़ा लेते हैं। आपके सनकोनर को हर दिन कम से कम 3 घंटे पिंजरे से बाहर निकलने देना चाहिए। इन बुद्धिमान पक्षियों के लिए चारा और अन्य प्रकार के संवर्धन आवश्यक हैं। अपने पालतू जानवरों को उगने से रोकने के लिए पक्षी को विभिन्न प्रकार के दिलचस्प खिलौने प्रदान करना सुनिश्चित करें और उन्हें नियमित अंतराल पर बदलें। एक सनकोनर उचित पोषण, व्यायाम और नियमित पशु चिकित्सा यात्राओं के साथ 15 से 25 साल के बीच जीवित रह सकता है। बिना साथी के अंडे देने वाली मादाओं या पालतू जानवरों को अंडे से बांधने और कैल्शियम की कमी होने का खतरा होता है। एक छोटे से पिंजरे तक सीमित सनकोनर्स अधिक वजन होने का भी खतरा होता है। सन पैराकेट्स को अब IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर डॉट द्वारा लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।